गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरश्चाधिष्ठान मुच्यते एते विर्मोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इसका अर्थ है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को ढककर मनुष्य को मोहित करता है। भगवान कृष्ण की इस दिव्य वाणी से हम काम निवास स्थान और उनकी उत्प्रेरक भूमिका के संकेत को एक सूत्र के रूप में लेते हैं। वास्तव में मनुष्य की तीव्र कामनाएं इंद्रियां, मन और बुद्धि से संबंधित है। इन्हें कामनाओं का निवास स्थान भी कहा गया है। मनुष्य की एक ही इंद्रिय हो और उसके एक ही विषय की ओर ध्यान जाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो पांच कामेंद्रियाँ, पांच ज्ञानेंद्रियाँ और विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों के विषय में मनुष्य को बार बार कामनाओं की ओर मोड़ते हैं। यहाँ हमारा मन भी इंद्रियों के विषय का गुलाम हो जाता है और वह इंद्रियों के कार्यों का समर्थन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को बुद्धि पर हावी न होने दे। मन और बुद्धि के इस द्वंद में प्राय बुद्धि पराजित हो जाया करती है, क्योंकि बुद्धि हमारे मन को विषयों की ओर भागने से रोकने का सुझाव देती है, लेकिन इस परिश्रम और आकर्षण है इसके लिए हमारा मन बुद्धि को नहीं सुनता और मनमाने ढंग से आचरण पर उतर जाता है। उदाहरण के लिए, हमारी जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन पसंद है और शरीर के लिए आवश्यक न होने पर या नुकसानदायक होने पर भी केवल स्वाद के कारण मनुष्य का मन उसे ग्रहण करने को तत्पर हो उठता है। यहाँ बुद्धि का कोई परामर्श भी काम नहीं आता। कुल मिलाकर इस तीव्र कामना ने ज्ञान को ढक लिया है और फिर मनुष्य मनमाना आचरण करने पर उतर आता है। ऐसी स्थिति में इंद्रियों को उनके अभीष्ट विषयों के प्रति हर स्थिति में गुलामों की तरह व्यवहार करने से सचेत रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा कर पाना कठिन अवश्य है, लेकिन मुश्किल नहीं, अभ्यास से यह आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारी इच्छाएं और कामनाएं बनाती हैं हमें गुलाम। आवृत ज्ञान मितेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौनते दुष्पुराणलेन च। इसका अर्थ है, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेक रखने वाले मनुष्य के शत्रु, इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। काम अर्थात कामना, अर्थात किसी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए स्थायी रूप से पा लेने की इच्छा, यह मान लेना कि इसे प्राप्त करने पर हमें भारी सुख प्राप्त होगा। ऐसा लगता है कि यह प्राप्त हो जाए तो फिर कुछ और पाना शेष ही नहीं है, और यह चाह ऐसी होती है कि प्राप्ति के बाद भी पूरी नहीं होती और चाह जागती है। एक इच्छा की पूर्ति हुई तो दूसरी खड़ी होती है। धन प्राप्त हुआ तो धन की चाह जगी, स्त्री मिल गई तो काम की इच्छा, रोटी मिल गई तो पकवान की इच्छा। इस कामना के रूप को विराट रूप में विस्तार होता गया। अगर प्राप्त नहीं हुआ तो मन में विक्षोभ, असंतोष, विचलन और अशांति। प्राप्त हो गया तो भी अतृप्ति का भाव। संत कबीर ने भी कहा है, तृष्णा सींची ना बुझे दिन दिन बढ़ती जाए, ज्वासा के रुख ज्यों घना में कुमिलाए। ज्वासा के पौधे का उदाहरण देते हुए कबीर ने समझाया कि अधिक वर्षा होने पर जिस तरह से ज्वासा का पौधा कुमला जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, बाद में यह फिर से हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से कामनाएं मरती नहीं हैं। कामनाओं का परिणाम है उस चीज़ की गुलामी जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कामनाओं का पूर्णतः अंत मुश्किल है, क्योंकि अगर यह सकारात्मक हो तो मनुष्य के उद्यम को एक सही प्रेरणा और दिशा देता है। हमें बस यह भाव रखना होगा कि हम विवेक से अपना भला बुरा पहचानें और इन चीज़ों की कामना न करें जो हमारे लिए अनुकूल न हो। कामनाओं के पीछे भागना अग्नि में जानबूझकर हाथ डालने के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध के बारे में कहा है कि रजोगुण में उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह अत्यधिक खाने पर भी तृप्त नहीं होता और महापापी है। इसे ही तुम संसार के शत्रु के समान मानो। वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न कामनाएं ही मनुष्य को पाप कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं। मनुष्य के भीतर आलस्य, प्रमोद और सुख की इच्छा ने जहाँ डेरा जमाया वहाँ असंख्य कामनाएं पैदा होने लगती हैं। मनुष्य बिना कर्म किए ही थोड़ा सा परिश्रम कर अधिक प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। वह सांसारिक प्राप्तियों की
पदार्थों की प्राप्ति और उपलब्धि को ही सुख मान लेता है, जबकि इन चीज़ों की प्राप्ति उसे सुख प्रदान नहीं करती, बल्कि कई बार तो सुख में बाधा डालने वाली होती हैं। और कहते हैं कि इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती हैं। फिर विषय भोगों से तृप्ति किसे प्राप्त हुई है? किसी को भी नहीं। महाभारत में वेद व्यास जी ने भी लिखा है कि विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती जाती है। मनुष्य इस काम के वशीभूत होकर विचार को त्याग देता है और यहीं से सुख भोगों को प्राप्त करने के लिए उसे स्थायी बनाने का संकल्प पैदा होता है, और जब इस कार्य में असफलता मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका रोज़ एक आगे का भाग आपके सामने पेश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें।